यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन की ओर से थीम पार्क पिहोवा रोड कुरुक्षेत्र में आयोजित 5 दिवसीय पशु मेले एवं प्रदर्शनी में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं, जिनसे पशुपालक आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े युवा विदेश में जाने की बजाय यहीं पर अपना रोजगार स्थापित करें और देश की उन्नति में योगदान दें। उन्होंने कहा कि किसानों और पशु जो पालक हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि एक ये DFA की एक्सपो जो है आज इनका 5वां साल है और सफल आयोजन इन्होंने किया है। मैं खुद पूरी एक्सपो को विजिट किया है और इसमें जो फार्मर हैं उनको कैसे आगे बढ़ने की सारी टेक्निक मशीन्स जो चाहे वो इंपोर्ट होती हैं चाहे हिंदुस्तान में बनती हैं और फीड से लेकर हर चीज़ की यहाँ पर टेक्निक और बताया जाता है, जिससे कि किसान जो है अपनी खेती और अपना जो यंत्र है उसको कैसे आगे उसे बढ़कर अपने खेती को और उसके जो मतलब फसल प्राप्त होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए वो यहाँ से पता चलती है। और ये ऐसे एक्सपो जो है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ एग्री और एग्रीकल्चर का जो लैंड है वहाँ पर हमें लगाने चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो हरियाणा में है वो किसानों को और फसलों को और यंत्रों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं हमारे खैरा साहब हैं उनको भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे ग्रुप को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलें, जिससे कि ऐसे एक्सपो को और आगे बढ़ाया जाए और ऐसे एक्सपो जो हैं वो घर घर तक इनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, जिससे कि किसान जो है अपनी किसानी के माध्यम से अपने आय को बढ़ा सके। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज।